गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सतीश फिर से आपको एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल जिप्सी फैमिली में। आज हम लोग हमारी दिल्ली टू मुंबई जो रोड ट्रिप है उसका डे टू है। हम लोग अभी हैं मोड़ासा, गुजरात का एक छोटा सा शहर, गोधरा से पहले आता है ये। अभी टाइम हो रहा है सुबह की 8। ये हमारी धन्नो बहुत ही हालत ख़राब हो गई इसकी, कल बारिश थी इसके लिए कीचड़ हो गए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल हम लोग जिस होटल बुक किया था उसमें नहीं रुके, दूसरा होटल में आके रुके। उसमें मैंने उसका नाम आपको सनशाइन बता दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली होटल का नाम होटल सनराइज है, तो ठीक ठाक था। एक रात स्टे के लिए चलेगा, हाईवे के जस्ट साइड में ही है ये, आप देख सकते हैं हाईवे। ये होटल का बोर्ड है और यहाँ पे ये उसका पार्किंग एरिया वगैरह है, और ये सामने होटल है, नीचे शॉप्स वगैरह है। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से। हम लोगों को यहाँ से 625 किलोमीटर के आसपास रहेगा मुंबई हमारे घर तक का जो डिस्टेंस है, तो उसको हम लोगों ने 10-11 घंटे में तय करने का टारगेट रखा हुआ है। तो चलिए आगे का क्या हम लोग टाइम पे पूरा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो तो नहीं बता सकता, लेकिन आप बने रहिए तो आपको पता चलेगा हम लोग कब पहुँचे रास्ते में और क्या क्या किया हम लोगों ने। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हो गई हमारी, हम लोगों ने अभी पोहा खा लिया। होटल से निकल के ही जस्ट 100 मीटर में लेफ्ट साइड में एक दुकान था, तो भैया जो है पोहा और पुलाव बेच रहे थे, तो हम लोगों ने पोहा खा लिया है, चाय भी पी ली हम लोग ने। तो यहाँ से अभी निकल रहे हैं हम मुंबई के लिए। यहाँ से 10.5 घंटा बता रहा है गूगल, और अराइवल टाइम जो है 6:53, मतलब 7 बजे। तो ये तो बढ़ने ही वाला है, क्योंकि जैसे ही जैसे हम मुंबई की तरफ बढ़ेंगे शाम होते जाएगा और शाम को मुंबई की ट्रैफिक बढ़ने वाली है। तो चलिए फिर चलते हैं, पहुँचना तो है घर में, फिर कल से नॉर्मल रूटीन चालू हो जाएगा, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। तो फ्रेंड्स, मोड़ासा से निकल के हम लोगों को 10-15 मिनट हो गया, हम लोग गोधरा की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। ये मोड़ासा गोधरा हाईवे है बेसिकली। हाईवे का कंडीशन देख सकते हैं आप, कितना स्मूथ है, ट्रैफिक भी बहुत ही कम है, और दोनों तरफ गेहूं और जवार की खेती। गेहूं पक गई है और कहीं पे काटा भी जा चुका है और कहीं कहीं पे अभी काटना बाकी है। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है सुबह सुबह का नज़ारा, सनराइज होके सूरज का किरण ज़्यादा तेज नहीं है और हवा में ठंडी है थोड़ी थोड़ी। तो फ्रेंड्स, हम अच्छे खासे हाईवे के ऊपर जा रहे थे, ये देख लीजिए गूगल की करतूत, हमें लाके डाल दिया गोधरा सिटी के अंदर, और सिटी के अंदर हम रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर फंसे हुए हैं। तो गूगल का सबसे बड़ा डीमेरिट, उसको जो रास्ता छोटा दिखेगा ना वो उसी में आपको भेज देगा, चाहे आपका कुछ भी हो जाए उसको छोटे रास्ते में लेके जाना है। और सिटी के अंदर डाल दिया मतलब हालत ख़राब है, हम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया और आ गए सिटी के अंदर। जस्ट पीछे से 100 मीटर पहले ही लेफ्ट लेना था, ये लाके डाल दिया सिटी के अंदर। ये देखिए, ये सामने ट्रेन जा रही है, आपको शायद दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, हम जस्ट अभी 2 मिनट पहले वडोदरा का बाईपास बोल सकते हैं इसको, जो दिल्ली मुंबई हाईवे पकड़ लिए हैं वापस,
क्रॉस कर लिया हम लोग। अभी टाइम हो रहा है 12:30 और हमारा जो अराइवल टाइम मुंबई में बता रहा है 8:00 इन द इवनिंग। तो आज यूजुअल इस रोड पे आने के बाद में ट्रकों का तांडव चालू हो गया, चारों तरफ आपको ट्रक ही ट्रक नज़र आएंगे। और मम्मली थोड़ा फीवर आ गया उसको, तो मेडिसिन खा के आराम कर रही है वो। और हम अभी थोड़ी देर के बाद में कहीं पे एक अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह देख के रुक के थोड़ा बहुत कुछ खाना वगैरह खा लेंगे, फिर आगे के लिए बढ़ेंगे। फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 1:30 और हम लोग यहाँ पे वडोदरा के आगे एक जलाराम खिचड़ी रेस्टोरेंट करके था, वहाँ पे हम लोगों ने लंच कर लिया है। लंच करने के बाद में अभी हम लोग निकलेंगे मुंबई के लिए। गाड़ी में बैठ गए, मामा ली पीछे सो रही है, तो चलिए चलते हैं। हमको पहुँचते आज तो 8:30-9 तो पक्का बजने वाला है, तो चलिए चलते हैं। मुंबई तक का सफ़र कैसा रहेगा, आगे का क्या क्या अपडेट है, हम आपको बताते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। भाई लोग ऐसा है कि हम लोग अभी सूरत से 40 किलोमीटर पीछे चाय पीने के लिए रुके थे। मैं चाय पी लिया, थोड़ा हल्के भी हो गए और धर्म पत्नी जी मटका वाले कुल्फी खा रही है। मेरी चाय 10 रुपए की, उसकी कुल्फी 60 रुपए की। बताओ क्या जमाना आ गया। और बेचारी मामाली पीछे सोई है, उसको ना चाय मिले ना आइसक्रीम मिले। तो धीरे धीरे करके हम लोग लगभग सूरत पहुंच गए हैं। आके सुबह 8:15 तक हमारा गाड़ी चालू हुई थी। आज सुबह लेट उठे हम लोग, कल थक गए थे और आराम से आ रहे हैं। अभी 5 घंटा और लगेंगे हमको मुंबई पहुंचने के लिए। अराइवल टाइम जो है वो हनुमान जी की पूंछ के जैसे बढ़ती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले 9 बजे का अराइवल टाइम था, अभी जो हो गया टाइम है वो 9:17 बता रहा है। तो घर ही तो जाना है, चलिए चलेंगे, घर पहुंचेंगे। रास्ते में कहीं पे डिनर का भी प्रोग्राम है, तो ये और भी बढ़ जाएगा। मतलब 10:30 से पहले तो हम लोग नहीं पहुंचने वाले हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि जितना लेट होगा हमें हम लोगों को मुंबई की ट्रैफिक उतनी कम होती जाएगी। तो लेट्स एक्सपेक्ट कि विल बी रीचिंग मुंबई बाय 10:30। तो चलिए अभी तक आप लोगों ने जितना साथ दिया वो साथ आगे भी बनाए रखें और हमें हौसला देते रहें। तो फ्रेंड्स चाय पीने के आने के बाद में हम लोग एक खतरनाक जाम में फंसे हुए हैं। ट्रैफिक इतनी है कि गाड़ियां हिल नहीं रहे, प्लस 24 मिनट का कंजेशन शो कर रहा है गूगल मैप्स पे। ये देखिए तो अभी तक तो हम सूरत भी नहीं पहुंचे। सूरत और रहेगा मेरे हिसाब से 35 किलोमीटर के आसपास। तो हम लोग बुरे फंसे हुए हैं, सही मायने में बोलोगे तो। चलिए इट्स ए पार्ट ऑफ द जर्नी, तो
इसको तो नकारा नहीं जा सकता है, इसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलिए, लेट अस मूव। तो फ्रेंड्स हम लोग सूरत बाईपास में चल रहे हैं, अभी सूरत पहुंच गए हम लोग। खतरनाक बाईपास है, बड़ा खतरनाक है। यहाँ से हम लोग को 5 घंटा लगेगा। पीछे काफ़ी ट्रैफिक जाम था, वो एक ब्रिज के ऊपर कुछ काम चालू था ना, तो 24-30 मिनट्स का कंजेशन था वहाँ पे, तो काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे। यहाँ से हम लोगों ने कुछ नाश्ता वगैरह कैरी किए, फाफड़ा जलेबी तो नहीं था, फाफड़ा कैरी किए हैं, तो उसको खाते खाते आगे चलते चलेंगे। तो गर्मी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गाड़ी हम लोगों ने बंद करके रखा था तो पसीना पसीना हो गए हम लोग, तो मतलब गर्मी ने दस्तक दे दी है। मुंबई का पता नहीं, दिल्ली में तो ठंडी थी, एक हफ्ते हम लोग मुंबई में थे नहीं, तो मुंबई का मैं बोल नहीं सकता, लेकिन दिल्ली में ठंडी थी। शाम को अगर बाहर निकलोगे आप तो ठंड फील होती है। मुंबई में अभी गर्मी आ गई होगी, वैसे मुंबई में ठंडी तो रहती नहीं है। तो चलिए हम लोग निकल गए वहाँ से, जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे स्नैक्स वगैरह लेने के लिए। तो चलते चलिए हमारे साथ में। फ्रेंड्स इट्स डिनर टाइम, हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया है और खाने के इंतज़ार में है। ये जगह को थोड़ा देखिए, कितना खूबसूरत है, बहुत ही मज़ेदार। भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं था यहाँ पे। ये जगह कौन सा है मैं बताऊँगा आपको आगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ में। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद में यहाँ से अभी निकलने की प्लानिंग है। अभी तक का जो सफ़र था बहुत ही अच्छा था हमारा, लेकिन वडोदरा क्रॉस करने के बाद में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला हमको, हम लोगों को इतना ट्रैफिक की पूछिए मत। हाँ, और ये जो प्लेस है ये गुजरात बॉर्डर क्रॉस करके महाराष्ट्र में एंट्री करने के बाद में तलासरी करके एक जगह है, तलासरी से पहले साबरौली करके एक प्लेस है, यहाँ पे है पारसी डेयरी फार्म। यहाँ पे पारसी डेयरी फार्म का उनका डेयरी फार्म भी है और एक रेस्टोरेंट भी बना के रखा है इन लोगों ने। बहुत ही शानदार जगह है, खाना भी बहुत ज़बरदस्त था, खाने को बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मुंबई के लिए।
इस जगह का एक खासियत ये है कि आप हम लोग यहाँ से राइट लेने के बाद में हमारे दोनों तरफ कुछ हॉट्स बनाए हैं लोगों ने, और यहाँ पे तरह तरह का बर्ड्स एंड कुछ जानवरों को भी रखा गया है, जैसे कि डक्स हैं, खरगोश हैं, और एक बड़ा सा बर्ड है, वो कौन सा बर्ड है मैं नहीं मालूम है, उसका नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन रात में ये बंद करके रखा हुआ था तो दिन में इसका क्लियर व्यू मिल सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप इस रोड में जा रहे हैं तो यहाँ पे रुक के फूड लेना बनता है। ये देखिए एक चिड़िया यहाँ पे हमको बैठा हुआ मिल गया, इसका नाम क्या है मैं आपको नहीं बता सकता। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जो कल का ब्लॉग था हमारा मोड़ासा से मुंबई तक के लिए, क्योंकि कल रात को बहुत लेट हो गया था हमको पहुंचने के लिए, हम लोग करीब 12:30 बजे पहुंचे और हिम्मत भी जवाब दे गई थी, तो फिर मैं ब्लॉग का एंड वीडियो शूट नहीं कर पाया था, जो कि मैं आज सुबह सुबह शूट कर रहा हूँ। तो अच्छे से हम लोग आके पहुंच गए। डिले होने का रीज़न ये था कि हमको रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिला। एक तो सूरत बाईपास में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, वहाँ पे कम से कम 30-45 मिनट हमारा टाइम वेस्ट हुआ। उसके बाद में जैसे जैसे मुंबई के नज़दीक आते गए हम लोग, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ हमारा ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। और जो वसई क्रीक है वहाँ पे लंबा 3-4 किलोमीटर का जाम था, उसको भी हमें झेलना पड़ा। तो उसी हिसाब से हमारा जो टाइम है इतना डिले हो गया, लेकिन जो भी है देर आए दुरुस्त आए, हम लोग अच्छे से आके घर में पहुंच गए हैं। और ये ट्रिप को हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, खास करके मामाली ने। ये जो 8 दिन की ट्रिप थी बहुत ही अच्छा गया हम लोगों ने। जो लोकल प्लेसेस हम लोगों ने एक्सप्लोर किया वो भी बहुत मज़ेदार था, रास्ते में भी हम लोग बहुत काफ़ी एंजॉय किए। एंड हम आशा करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ में इस ट्रिप को एंजॉय किया। तो फ्रेंड्स, आगे भी हमें ऐसा हौसला देते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, नमस्ते।